रनौत जी आएंगी तो जीत पक्का। ऐसे बहुत अनुभवी हैं, बिल्कुल जीतेंगे। मंडी का बहुत ज्यादा तरीके से जो है तरक्की कराएगी, विकास की दृष्टि से वो मंडी क्षेत्र का पूरा विकास करेंगी। भारत में एक मंडी को नई पहचान दिलाने का काम है। उन्होंने बहुत बड़ा नाम पूरे हिमाचल का, पूरे देश में चलाया हुआ है। कंगना रनौत बॉलीवुड की क्वीन, एक जाना माना नाम जो बॉलीवुड की ग्लैमर से निकलकर जमीनी राजनीति में उतर रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी ने कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद पहली बार कंगना रनौत दिल्ली पहुंची, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत चली। कंगना रनौत ने मंडी सीट से पार्टी का टिकट दिए जाने पर पार्टी अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट को लेकर भी दोनों नेताओं में बातचीत हुई। इस बीच कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से किए गए आपत्तिजनक पोस्ट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी इस मामले को लेकर आज मंडी में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जयराम ठाकुर करेंगे। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के सब साथियों का कहना है कि ये इस प्रकार की जो हरकत की गई है, इस पर पूरा मंडी को रोष व्यक्त करना चाहिए और मंडी रोष व्यक्त कर ही रहा है इस बात को लेकर। कंगना रनौत के मैदान में उतरने से मंडी देश की नई हॉट सीट बन गई है। मंडी लोकसभा सीट पर अभी तक कुल 20 बार लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं और इसमें से 14 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 5 बार बीजेपी जीती है और 1 बार जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। मंडी जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मंडी की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। प्रदेश की 68 सीटों में से सिर्फ 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 9 सीटें तो सिर्फ मंडी से जीती थी। ये भी एक वजह है कि बीजेपी के लिए सबसे सेफ लोकसभा सीट से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। एक और वजह यह भी है कि मंडी लोकसभा सीट में ठाकुर वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर हमेशा से ठाकुर और ब्राह्मण नेताओं का दबदबा है। कंगना रनौत भी इसी बिरादरी से आती हैं और जातीय समीकरण के मामले में भी बीजेपी का यह दांव बिल्कुल सटीक निशाने पर दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।